हाँ जानिए कितने का करना Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. You are watching Rahim Ali Facebook page or YouTube channel and welcome back to another PSL theme video. इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है किट रिव्यू करेंगे सारी टीमों के. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितनी भी वीडियोज होती हैं प्रेडिक्शन वाली होंगे या रिव्यू वाली होंगी, इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ. हर इंसान का अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप टोटली डिसएग्री कर सकते हो, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए. ठीक है, ये हो गया डिस्क्लेमर. दूसरा, आप लोग कह रहे थे भाई किट रिव्यू डालो, किट रिव्यू डालो. सबसे ज़्यादा मुझे जो है किसी वीडियो की मुझे जो है रिक्वेस्ट आई तो वो किट रिव्यू की थी. मुझे मैंने सोचा नहीं था कि किट रिव्यू की आप लोगों को इतनी ज़्यादा जो है ना रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन भाई वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि PSL को अभी भी स्टार्ट होने में 3 दिन है. बाय द वे 3 दिन रह गए हैं. 3 दिन बाद आमिर डालेंगे इन स्विंग, बाबर को ऑफ स्टंप उड़ते हुए बाहर जाएगा, जैसे शामी ने बोल मारा ना वॉर्नर को टेस्ट मैच में, बस वैसे ही होगा, ऑफ स्टंप उड़ते हुए. तो भाई 3 दिन रह गए हैं PSL के पहले मैच में और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन 3 दिनों में PSL का एंथम नहीं आया. ठीक है, इन 3 दिनों के अंदर प्रॉपरली किट अनाउंस अभी भी नहीं हुई है. जी हाँ, सिर्फ कुछ फ्रेंचाइजेस ने प्रॉपरली किट अनाउंस कर दी है, तो किट भी अनाउंस नहीं हुई. तो जब किट अनाउंस नहीं हुई तो एंथम तो दूर की बात है भाई, तो एंथम भी आएंगे उनके वो. अब आ जाओ किट्स पे. सबसे पहले बताएंगे इस वीडियो में, ये भी बताऊंगा कि मेरी जो है फेवरेट, मोस्ट फेवरेट किट और टॉप 3 में कौन सी किट्स हैं ऑल सारी फ्रेंचाइजीज में. लेकिन सबसे पहले जिसकी हम मारने वाले हैं वो है कराची किंग्स, माय ओन फैन बेस टीम, जिसका मैं फैन हूँ सीजन 1 से. कराची किंग्स ने अपनी किट लॉन्च करी है जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपरली किट लॉन्च नहीं करी है. ठीक है, इसका एक बैक स्टोरी बता देता हूँ मैं, अगर जो आप जो कराची किंग्स के पेज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, कि कराची किंग्स ने जो है PSL स्टार्ट करने से पहले दे अनाउंस अ किट डिज़ाइन कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका डिज़ाइन, आपकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है, आप अच्छी किट बना सकते हो कराची किंग्स के लिए, तो आप सबमिट करें और फिर कॉम्पोजिशन के अंदर कोई एक विनर होगा जिसको प्राइज मनी मिलेगी. और वो अब मजे की बात आपने, मैं आपको बताता हूँ कि वो किट कॉम्पोजिशन ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गया, जैसे दिन ब दिन गए ना बहुत सारी जो है सबमिट, इतनी हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है ना अपने डिज़ाइन जो है किट्स बना बना के और मेहनत कर करके फोटोशॉप पे बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं डिज़ाइनर, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत मेहनत करके लोगों ने जो है अपनी तस्वीरें सबमिट करी कि यार हमारी किट शायद वो हो जाए, हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम कराची किंग्स के ऑफिशियल डिज़ाइनर बन जाएँ, जो भी है. तो जो विनर था उसको पैसे मिलने थे कुछ अमाउंट, वो याद नहीं है. और अगर आपने सेलेक्ट हो गई आपकी किट तो वो इस सीज़न के अंदर आपकी किट आएगी और फिर अगले सीज़न में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कराची किंग्स की किट डिज़ाइन कर सकते हो. और दिन ब दिन जैसे ही गुजरे ऑल ऑफ अ सडन वो कॉम्पोजिशन गायब हो गया, कोई जवाब नहीं कराची किंग्स के पेज में, कोई कुछ नहीं. पहली चीज़. दूसरा, हूएवर इस जो चला रहा है सोशल मीडिया कराची किंग्स का, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर सरकटी तस्वीर डाल दी. उनको ये तक की तमीज़ नहीं है कि रेशो क्या होता है, इंस्टाग्राम पे अलग होता है, फेसबुक पे अलग होता है. दे आर यूजिंग एनी, अब होता है ये कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें एक दफ़ा पोस्ट डालो. ठीक है, अब मैं सारी अंदर की बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये अंदर की बात बताना आपको बहुत लाजमी है, क्योंकि जब तक ये सारे मामला जो हो रहे हैं, जो लोगों की मायूसी हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे नॉलेज नहीं है लोगों को. मैं नॉलेज दे रहा हूँ, उसको सीखो, जब इन चीज़ों को पकड़ के जब सोचोगे ना फिर पता चलेगा कि यार इतने बच्चों वाली गलतियां कर रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं. ये 8वां सीज़न चल रहा है, 7 सीज़न गुजर गए, जो गलतियां करनी थी उसमें कर लेते, अब नहीं, कोई गलतियां नहीं मानेंगे हम आपकी. 8वां सीज़न है ये, याद रखना. तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड कर रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर वगैरह पे एक साथ पोस्ट डाल जाए, या फिर इंडिविजुअल भी डाल रहे हो, अगर इंडिविजुअल डालो तो गलती होनी नहीं चाहिए भाई. एक बच्चा भी, बच्चे को भी सेंस होती है कि वो तस्वीर डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो सर नहीं कटना. हैदर अली का सर कटा हुआ है यहाँ पर तस्वीर शुरू हो रही है हैदर अली का, बताओ. कमेंट में मीम्स बन रही हैं, कमेंट में लोग पेल दे रहे हैं कराची किंग्स को. एज अ फैन बहुत बुरा लगता है, बहुत शदीद बुरा लगता है. तो भाई मैंने तो ये भी कहा था कि मुझे हायर कर लो, मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे हायर कर लो. कोई तमीज़ के बंदे को हायर कर लो, उसको तमीज़ हो पिक्चर्स कैसे डालनी है, पिक्चर्स एडिट कैसे करनी है, कैसे किट लॉन्च करनी है. अब देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और लाहौर कर सकते प्रॉपरली लिकेट लॉन्च करी, कोटा रेडिटर्स ने कितने प्रॉपरली लिकेट लॉन्च करी, उन्होंने प्रॉपर 3D एनिमेशन वीडियो डाली कि उसमें बताया कि किट की बारीकियाँ बताएं उसके अंदर, कि ये जो किट हमने लॉन्च करी है. अब आप बोल लोगे कि इतना डीप में क्यों सोच रहे हैं, भाई सोचना पड़ेगा, 8वां सीज़न चल रहा है, ये हमारी फ्रेंचाइज टॉप के लेवल की बन चुकी है, अगर उसमें भी बच्चों वाली गलतियां करोगे तो भाई ये नहीं होगा. खैर, तो कराची किंग्स की इज द वर्स्ट किट ऑफ दिस PSL. ठीक है, किट का डिज़ाइन ओकेश है, पुराना है. पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने कॉम्पोजिशन करवाया था उस पर मैंने 10-15 किट ऐसी देखी, आउट क्लास किट है. मतलब आप उसमें निकाल ही नहीं, उसमें आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा बंदा जीता है. एक से बढ़कर एक किट, 10-15 किट ऐसे थी उसके अंदर. तो वो 10 बंदे में से कोई एक बंदा क्यों नहीं जीता, और ये कौन था,
अगर आपको लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है 110% आपने खुद किट बना के डाल दिया, और अगर किसी बंदे ने किट बनाई भी है तो ये बहुत ही बुरी किट है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में ये होता है ना कि सबसे अच्छी किट सेलेक्ट की जाएगी, तो सबसे अच्छी किट तो यह है ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे 10-15 और किट्स थी तो इससे डबल ट्रिपल अच्छी थी। तो कॉम्पोजिशन करवाने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने किट सेलेक्ट ही नहीं करना था भाई, सीधा सीधा बोलते थे हम खुद अपनी किट लॉन्च कर लेंगे, फजूल में हाइप बनाई, फजूल में लड़कों ने अपनी मेहनत करी, मैंने खुद मेहनत करी, फोटोशॉप पे बैठ कर किट डिज़ाइन करी मैंने, और सोने पे सुहागा मैंने जो मैप वाला डिज़ाइन करा था, गैस वॉट लाहौर कलंदर इस्लामाबाद मैंने मैप वाला डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि भाई इस दिमाग, इस डिज़ाइनर दिमाग को पता है कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने मैप रखा इसलिए था कांची किंग्स के किट के अंदर कि यार मैप ऑन ट्रेंडिंग चल रहा है, ये पसंद आएगी, लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ है, सोच कहाँ है, कुछ पता नहीं है डिज़ाइन के बारे में, कुछ पता नहीं है ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। अब देख लो लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किट वही मैप वाला डिज़ाइन जो है उन्होंने किया। खैर द लीस्ट फेवरेट ऑफ कराची किंग्स, वैसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी कराची किंग्स पे अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत सारी गलतियाँ हैं, दे डिडंट अलाउ लॉन्च द ऑफिशियल किट, मतलब प्रॉपर तस्वीर डाल के गई हमारी किट है या फिर कोई एनिमेशन वीडियो, मैं तो वो सोच नहीं रहा, मैं ये सिंपल तस्वीर डालते मैं तो उसमें ही खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कराची किंग्स के सोशल मीडिया से, इतना बुरा सोशल मीडिया जो भी चला रहा है, बहुत बुरा चला रहा है। उन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो शूट करी थी, उसमें शोएब मलिक का वो जो है एक थंबनेल आपका तस्वीर खींच ली वहीं पर, और जो पहले पिक्चर अपलोड करते हैं भाई ब्लर फोकस, ये तो कम से कम देख ले बंदा, ब्लर फोटो डाल दी, वेरीफाइड पेज है कराची किंग्स का और ब्लर फोटो डाल दी भाई। खैर लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत गलतियाँ कराची किंग्स को भी बहुत, या तो उनको पूरी मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी, एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि ARY की फ्रेंचाइज है, ARY इतना बड़ा चैनल है, ये फोकस आउट ऑफ फोकस और क्रॉपिंग रॉपिंग ये तो बच्चा चीज़ है यार, ये तो स्कूल के बच्चों को भी पता है। अच्छा मुल्तान सुल्तान की किट अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुई है, तो हम मुल्तान सुल्तान की कोई बात नहीं करेंगे। मैंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था कि आप लोग अपनी लॉन्च कर रहे नहीं कर, लेकिन पिछले 2 या 3 साल से उनकी किट जो है सेम ही जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो सेम ही पहलेंगे, उनके बाद मुझे लगता नहीं है उतना उनका जो है इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, क्योंकि वो फ्रेंचाइज जो है अभी उसके इतने साल नहीं हुए जितने अगर दूसरी बात करें तो उसको हम जो है माइनस करते हैं, अगर वो लॉन्च करती तो हम उस पर ही बात करते, तो उन्होंने कोई ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आई है। इवन दो ट्रेनिंग किट देखी है मैंने, वो भी पुरानी ही जैसी है, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, तो इसलिए हम मुल्तान सुल्तान पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप मुल्तान सुल्तान के फ़ैन हो तो भाई आपके अपने फ्रेंचाइज ने कोई किट लॉन्च नहीं करी, तो इसलिए हम इस पर बात नहीं कर रहे। अगली किट आ जाती है भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टू बी ऑनेस्ट विद यू जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ रिप्रेजेंट करने में किट को और किट के लुक के ऊपर, ये स्पॉन्सर भी बहुत बड़ा जो है ना इनका होता है सीन, कि अगर आप देखें BJ स्पोर्ट्स जो आ गया है और ये FNA, ये कितने ऑफ लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू। बाकी किट जो है इतनी कोई खास तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग या BPL प्रीमियर लीग में जो होता है ना इनकी जो किट्स होती है नॉर्मल ओकेश। देखो टू बी ऑनेस्ट विद यू PSL इज सेकेंड देन IPL, तो जो IPL का लेवल है ना उस लेवल टाइप्स किट्स होनी चाहिए, और ये 8वां सीजन चल रहा है यार, अब कितना मतलब थोड़ा फुटबॉल को देख लो, देखो मैनचेस्टर सिटी कैसे बना रही है, एडिडास किट्स कैसे बना रहा है, नाइकी किट्स कैसे बना रहा है, उनको ही छाप लो, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें चेंज कर लो, ऐसा ना हो जैसे वो लाहौर कलंदर्स ने किया था ना, अडोबी स्टॉक पूरा पेल दिया, तो वो मत करना भाई, लेकिन 19-20 का फर्क तो हो, थोड़ा सा फुटबॉल को लेकर चलो, क्योंकि फुटबॉल की क्लास है यार, उनकी किट्स की क्लास है, तो अभी स्टार्टिंग है, लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग है, 8वां सीजन है, आई विश के 10वें या 11वें या 12वें सीजन के अंदर हमारी ऐसी किट्स हों कि बच्चा बोले यार दादा मुझे खरीदनी है, तो वो मेरा पूरा उम्मीद था मैं कराची किंग्स से किट खरीदूँ, फिर मैच देखने जाऊँ स्टेडियम में, टिकट डबल ट्रिपल महंगे कर दिए, वहीं उम्मीदें छोड़ दी मैंने, ऊपर से किट देखी तो मैंने कहा अच्छा हुआ किट भी ऐसी है, मैंने खरीदनी नहीं है। खैर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की किट जो है आउट ऑफ 5 अगर आप मुझसे पूछें, आई लाइक दिस जो सेंटर के अंदर स्टार है और फिर वो दो एक क्या कहेंगे इसके हॉर्न्स जो बने हुए, हॉर्न्स कहेंगे जो भी है, आई लव दिस डिज़ाइन जो बीच में सेंटर में है, एक सितारा जो है इनका वो जो उन्होंने क्वेटा ने एक दफ़ा जीता है PSL वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी आई डोंट लाइक द BJ स्पोर्ट्स स्पॉन्सर जो मिडिल में ऑफ जा रहा है बिल्कुल, और ये FNA अब मजबूरी है इनको डालना पड़ता है, जाहिर सी बात है लोगों ने पैसे दिए होंगे स्पॉन्सर्स हैं, बाकी ओवरऑल ओके ही शायद, इतनी कोई खास नहीं लगी मुझे, जो प्रिंट भी है जो मछली वाला प्रिंट डाल दिया उन्होंने बीच में वो भी इतना कोई खास नहीं लग रहा। 2 out of 5 फॉर मी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की किट ओके ही है, इतना कोई खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम लोग देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की इज माय अब तक की फेवरेट किट। अब मुझे नहीं पता है मुल्तान की कोई इससे भी अच्छी आ जाए तो फिर मुल्तान हो जाएगी, इससे पहले लाहौर कलंदर्स की मेरी फेवरेट किट थी और मैंने पोस्ट भी डाला था, लेकिन देन फिर इस्लामाबाद ने जब लॉन्च किया, अब मैं इसमें थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मैप डालेंगे, क्योंकि जो पीछे जो ब्लैक वाला सीन आ रहा है ना, मुझे मैंने सिर्फ नोटिस कर लिया था, एज अ डिज़ाइनर के दिमाग ने मेरे नोटिस कर लिया था कि भाई ये मैप वाला सीन होगा इनका, तो उन्होंने मैप वाला सीन किया, और आई एम वेरी 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 मच प्राउड
और अपने ऊपर कि भाई मैंने जो मैप वाली डिज़ाइन केक बनाई थी कराची किंग्स के लिए जो सिलेक्ट नहीं हुई या फिर कॉम्पिटिशन उन्होंने देखा ही नहीं होगा उन्होंने तस्वीर उनका क्या लेना देना। तो मुझे बड़ा बहुत ही प्राउड हुआ कि भाई जो मेरा विजन था जो मैं सोच रहा था कि ये ट्रेंडिंग में चलेगा मैप डालो किट के अंदर एज अ डिज़ाइनर और जो आज वही हुआ PSL की बेस्ट किट लाहौर और इस्लामाबाद उसमें उन्होंने मैप डाला हुआ। सुनते नहीं हो हमारी बात, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग राजी क्योंकि फैन है, बस यही है, यही मसला, ये अनफॉर्चुनेटली है बस। खैर तो सबसे पहले तो लोगों की क्लास है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो दो सितारे हैं हाईएस्ट PSL इन्होंने जीते हैं अब तक के, उसके बाद ये क्लास है। दूसरा अगर आप कॉलर की बात देखें, कॉलर बहुत खूबसूरत तरीन कॉलर है, प्रॉपर स्पॉन्सर जो जा रहे हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त है। इनका जो मेन स्पॉन्सर है सप्रोजो, उसको प्रॉपर शेप उनका उसका लोगो कमाल है, वो प्रॉपर शेप में लोगो आ रहा है, इसमें कोई राइटिंग नहीं है, प्रॉपर शेप में लोगो आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है। मेन डिज़ाइन की बात कर लें, उन्होंने लिखा है इस्लामाबाद आर आइडेंटिटी रन थ्रू द ब्लड ब्ला 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 ब्ला, तो उसके अंदर जो उन्होंने मैप डाला है इस्लामाबाद का खूबसूरत ब्लेंड हो रहा है। और ये सिर्फ फ्रंट में नहीं है, अगर आप देखें शुरू के जो PSL आए थे 2, 3, 4 जो आए थे उसमें जो है उन्होंने सिर्फ शुरू शुरू मतलब फ्रंट के अंदर डिज़ाइन होता था, पीछे प्लेन होता था कलर, तो ये थोड़ा सा उन्होंने शुरू छुका रहा है, थोड़ा सा सीखा उन्होंने। और अगर आप डिटेलिंग में जाएं तो ये फ्रंट में जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, एंड देन फिर जो पीछे दो सितारे हैं जो क्लास है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर द लीडिंग PSL विनर्स, वो उसके पीछे भी मैप जा रहा है, तो दिस इज़ क्लास। और देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने रेड ऑरेंज और मैरून, या फिर हाँ मैरून ही कहेंगे ना उसको, मैरून रेड और ऑरेंज को इतनी खूबसूरती से ब्लेंड किया है। अगर देखा जाए तो रेड के ही कलर शेड्स हैं और खूबसूरती से ब्लेंड हो रहे हैं। मैं बारीकी से इसलिए बता रहा था कि समझो तुम लोग समझते ही नहीं हो, फिर किसी भी किट को बोलते तो अच्छा है, दिल से नहीं देखना, डिज़ाइनिंग माइंड से देखना है और ये दिमाग में रखना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी, पूरी दुनिया में PSL देखा जाता है, 8वां सीज़न है, हर सीज़न में एक नया मार्क रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर मी इस्लामाबाद यूनाइटेड की द बेस्ट किट ऑफ दिस PSL, आउट क्लास किट है, खूबसूरत कलर ब्लेंडिंग हो रही है, स्पॉन्सर भी प्रॉपर है, खूबसूरत है, हर शेप में आ रहे हैं, क्लीन किट है, क्लास ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसको मैं आउट ऑफ 5 दूंगा, 4 out of 5। एक नंबर मैंने इसलिए काटा क्योंकि मैथ का पेपर होता है कि 99 मिलेंगे, 100 में नहीं मिलेंगे, तो ये वाला सीन है। नेक्स्ट किट देख लेते हैं हम लोग जी, जो है लाहौर कलंदर्स की। अब लाहौर कलंदर्स ने जो है होम और अवे निकाला है। होम में इनका जो नियॉन ग्रीनिश कलर है वो है, और जो रेड है वो उनका अवे कलर है। अब इन्होंने भी मैप निकाला है, और इसी वजह से जब मैंने देखा था, क्योंकि मैं मैप पे ही जा रहा था जब मैंने कराची किंग्स किट, वन सेकंड रिपीटिंग, कराची किंग्स जब मैं किट बना रहा था, तो मेरा दिमाग में था कि मैप इज़ ट्रेंडिंग, मैप को डालूंगा, मैप रिप्रेजेंट सिटी, और वही इन्होंने भी किया। और जब भी मुझे लाहौर की किट पसंद आई थी, जब मैंने पहली नज़र देखा था फेसबुक पे इनके वीडियो जो इन्होंने अपलोड करी थी, तो उन्होंने खूबसूरती से मैप ब्लेंड किया। आई लव कि उन्होंने जो ऊपर ही ये इन्होंने ना छोड़ा नहीं है, एक होता है ना कि आप सिर्फ फ्रंट में मैप रखते हो, स्लीव्स में मैप नहीं होता, फिर वो डिज़ाइन कंटिन्यूसली जा रहा है। अब इसमें एक मसला ये भी होता है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स ने जो है वो कॉम्पिटिशन ड्रॉप कर दिया, जिन्होंने बहुत आउट क्लास डिज़ाइन बनाए थे, जो कम ज़बरदस्त डिज़ाइनर्स हैं वो जितने भी लड़के थे जो मैंने तस्वीरें देखी, ज़बरदस्त सबमिशन आ रही थी। अब इसमें मसला ये भी होता है कि जब जितना ज़्यादा प्रिंट होता है ना किट के अंदर, उतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर ये भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से कराची किंग्स ने सोचा कि यार नहीं यार कॉम्पिटिशन छोड़ दो, बहुत कमाल की किट बना रहे हैं वो लोग और डिज़ाइनिंग में बहुत पैसा लग जाएगा, तो ये भी हो सकता है। खैर लाहौर की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना लाहौर की किट में वो ये है कि इनका जो मेन स्पॉन्सर है कलंदर सिटी, वो स्पॉन्सर ही इनके फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ ज़बरदस्त तरीन, बेहतरीन हो गया, लाहौर कलंदर का किट है और मेन स्पॉन्सर ही कलंदर सिटी है। वो कलंदर का जो नाम आया ना वो लोगों में और कलंदर मेन स्पॉन्सर में, खूबसूरत। और जिस तरीके से आई लव जो मैप पूरा प्रॉपरली ब्लेंड होते हुए जा रहा है दोनों स्लीव्स पे, और मुगल जो इनका स्पॉन्सर है वो भी ओके ही, इतना खास नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा ना ऑफ जा रहा है किट में टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो मजबूरी होती है इन फ्रेंचाइज की, इन सब ने पैसे दिए होते हैं तो डालना ही होता है। खैर प्रॉपरली ब्लेंड हो रही है, खूबसूरत किट है, पीछे भी मैप जा रहा है, मैंने पीछे से भी देखी है, इस तस्वीर में नहीं है पीछे वाला लुक। अगर हम इनकी ओरिजिनल किट तस्वीर देख लें जिसमें वो लोग ये किट लॉन्च इन्होंने किया था, अब ये ओरिजिनल पिक्चर है, अब ओरिजिनल पिक्चर में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, फिटिंग आप देखें बंदे सॉलिड लग रहे हैं, और ये जो इनका जो एरो आ रहा है, ये एरो टी शर्ट से मतलब टॉप से नीचे बॉटम पे जो ट्राउजर पे जा रहा है, खूबसूरत ब्लैक एंड ग्रीन खूबसूरत लग रहा है। रेडिश इतनी खास नहीं लगी मुझे, उसमें ना ब्लैक थोड़ा दब रहा है, लेकिन नियॉन ग्रीन में बाकायदे प्रॉपरली आ रहा है, बहुत खूबसूरत उन्होंने मैप बनाया है, भरी भरी किट लग रही है, खूबसूरत किट लग रही है। तो आउट ऑफ 5 फॉर मी, इट्स 3 out of 5 फॉर मी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेशावर जलमी की किट, और ये भी बहुत खूबसूरत किट मुझे लगी थी। और अगर हम डिटेल में बात करें तो लव द स्लीव्स,
अगर हम इन डेप्थ देखें जो येलो आ रहा है, ये येलो के अंदर भी जो है इनके प्रिंट है, सेम प्रिंट है, ये सेम प्रिंट मैंने भी रखा था, क्रांची की विकेट बनाई थी मैंने, और मैं बहुत प्राउड हूँ अपने ऊपर, क्योंकि जो जो डिज़ाइन मैंने रखा देख कर क्या ये ट्रेंडिंग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किट में जो है वो है। पेशावर जलमी के अंदर ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है, और वो मैप वाला लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर है, और आई लव दिस लोगो जो प्रॉपर ये इन्होंने, मुझे लगा था तब कहाँ से छापे इन लोगों ने, ये मुझे लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी ये किया था, तो यहाँ से इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से इंस्पिरेशन ली होगी कि ये लोगो जो होगा ये प्रॉपर शेप के अंदर होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इससे होता ये है कि अगर आपका मेन कलर येलो है ना, और अगर आपका लोगो भी येलो है, तो वो ब्लेंड दोनों में ना मिक्सअप ना हो जाए, तो इसको सेपरेट करने के लिए इन्होंने बॉर्डर बनाया, खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर एक सितारा भी है, तो प्रॉपर अच्छा लग रहा है। हुआवे स्पॉन्सर, खूबसूरत लग रहा है, कोई इसमें एक ना माठापन नहीं आ रहा। हायर, खूबसूरत लग रहा है, सिंपल राइटिंग है। तो ये जो स्लीव्स बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ब्लैक के ऊपर गोल्डन जो शेप्स बने हुए हैं। बाकी ओवरऑल जो है ट्राउज़र भी ओके ही है, एक सिंपल स्ट्राइप है, तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो टॉप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ज़बरदस्त खूबसूरत है। कॉलर के अंदर स्पॉन्सर भी क्लीन है, बस मुझे जो बटन्स इन्होंने दे दिए ना, बहुत लंबा, ये कुर्ता स्टाइल दे दिया है इन्होंने इन्होंने कुर्ता स्टाइल सी दिया है, इनको शेरवानी स्टाइल सीना था यार, कुर्ता स्टाइल जो है ना, ये मुझे बटन्स वाला सीन ऑफ लग रहा है। बाकी ओवरऑल ओके ही है, और आउट ऑफ फाइव मैं इसे दूंगा, इसे भी मैं दूंगा जो है 4 out of 5, ये भी 4 out of 5 है। तो जी, सारी किट्स रिव्यू करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी टॉप 3 किट्स कौन सी हैं। तो तीसरे नंबर पर आएगी जी पेशावर जलमी, दूसरे नंबर पर आएगी लाहौर कलंदर्स, और नंबर 1 पर आएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड वंस अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड, इट इज़ द माय ऑल टाइम फेवरेट ऑफ दिस PSL, खूबसूरत तरीन किट बनाई है। तो इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर ज़बरदस्त किट्स हैं, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन खूबसूरत किट्स हैं, बाकी जो है ना इतनी कोई खास नहीं लगी मुझे। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी मीम्स देखते हैं, थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। आ जाइए, हाँ जानिए कितने का करना देखो मैं कह रहा था ना, ये मीम्स बन रही हैं, ये मीम्स बन रही हैं, और लग रहा है इसमें लग रहा है कि पेट्रोल पम्प जो है ना उसकी कॉस्ट्यूम लग रही है ये, अफसोस। लाहौरियों ने इतने गलत एड्रेस बताए हैं कि तंग आकर उनकी किट पर उन्होंने मैप भी बना दिया, जो बात है, लेट्स गो। ये भी अच्छा है, जब भी आप लाहौर जाओ ना तो वो लोग गलत एड्रेस बताते हैं, ये भी थोड़ा सा रिलेटेबल मीम है। एवरी मास्टरपीस हैज़ इट चीप कॉपी। अब देखें, मैं बताया था ना आपको फुटबॉल की जरिए, मैं आपको वो दे रहा था, मिसाल दे रहा था, आप देखो आ गया ना फुटबॉल, अगर आप लोग फुटबॉल देखोगे तो आप लोग बोलोगे ये तो फलाना क्लब की कॉपी है, कॉपी नहीं होती, वो इंस्पिरेशन होती है। अगर हम एक हर चीज़ डिज़ाइन में अगर ये देखें ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कॉपी होती है, स्ट्रेट अप कॉपी नहीं होनी चाहिए, बस या तो इंस्पिरेशन होनी चाहिए, या तो वो किट में अच्छा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इस किट से ले लिया, इस किट से ले लिया, फिर अपनी किट बना दी, तो ये स्ट्रेट अप कॉपी नहीं है। इनका जो लाहौर कलंदर्स का लोगो है ना, वो स्ट्रेट अप कॉपी है, अडोबी स्टॉक से उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। खैर, उन्होंने लोगो कॉपी कर लिया, तुम किट की बात कर रहे हो यार। माय ऑनेस्ट रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, परफेक्ट मीम है, ऐसी था मेरा रिएक्शन, क्योंकि जब उन्होंने जब उम्मीदें दी ना हमें कि भाई कॉम्पोजिशन होगा, और फिर जब सबमिशन आ रही थी, नेक्स्ट लेवल सबमिशन आ रही थी, मैंने कहा यार दादा इतनी अच्छी सबमिशन आ रही है, कोई नेक्स्ट लेवल किट सेलेक्ट करेंगे लोग, और फिर ये सेलेक्ट करिए। वेल डन KK, वेल डन। ऑल राइट, दिस इज़ अ वीडियो ऑफ मी रिव्यूइंग PSL किट्स। वंस अगेन, मुल्तान ने कोई भी किट लॉन्च नहीं करी, वैसे हमने मुल्तान की बात नहीं करी, लेकिन ओवरऑल ओके ही है फॉर मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड छा गई है, किट के मामले में ज़बरदस्त है, बाकी सब कुछ ओके ही है। आई विश के मैचेस और जब वो रियल लाइफ में खेलें ये किट पहन के, तो अच्छे लगे। आई विश के थोड़ा सा माइंड भी मेरा चेंज हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं जब जब भी कराची किंग्स के मैचेस देखूंगा तो मुझे नफरत हो जाएगी, क्योंकि वो किट है इनकी बहुत फारिक किट है। खैर, आई विश के कराची अच्छा खेले, आई विश सारी टीम अच्छा खेले, एंड वो जो किटें हैं वो अच्छे लगे, लेकिन टॉप 2 किट जो हैं वो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स की है, और नंबर 1 फॉर मी इस्लामाबाद यूनाइटेड। दिस इज़ अ वीडियो ऑफ मी रिव्यूइंग PSL 2023 किट्स। आई होप लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू। थोड़ी सी मैंने जो लॉजिक लेस बात करी है वो उस पर नज़रअंदाज कर देना, जो लॉजिक वाली बात करी है वो ही देखना, ठीक है। और ये सब देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि PSL सीज़न 8 है, ये हम भूल जाते हैं, ये हर साल जब नया आता है तो हम लगता है PSL 1 आ रहा है, नहीं भाई PSL 8 है, हर सीज़न के अंदर एक नया लेवल होना चाहिए। आई जस्ट अ किड्स मैन, कम ऑन। ओके जी, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।